में से प्रॉपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा है? बोल करा दूं, जो जिसने नहीं पढ़ी। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो मल्टीप्लाई होती है, और नीचे ऊपर से नीचे आते हो तो डिवाइड होता है। ये बात मैंने समझा रखी है सबको, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने पे। आपको क्या करना है, प्रॉपर डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करनी है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करेंगे, जैसे आप पहले वाले ऑप्शन को देखो, अगर आप इस वाले टर्म्स को अभी छोड़ दो, आप यहां से देखो 8500 mm है, 8 मीटर है, 8 मीटर में कितने एमएम बनेंगे? आप देखो ध्यान से, अगर 8 मीटर की मैं बात करूं तो 8 मीटर में कितने एमएम बनेंगे? मीटर ये रहा, आपको यहां से 2 स्टेप ऊपर जाना है, तो इसका मतलब 8000 mm बनेंगे। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये बात सही है कि जो ये है ये इससे बाद में आना चाहिए था, यानी घटता क्रम सही है। फिर इसकी बात करेंगे, 800 सेंटीमीटर है, और 8 क्या है, 800 सेंटीमीटर है, और आपके पास क्या है, 8 mm है। अब बात ध्यान से समझना, 800 सेंटीमीटर, 8 mm, सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो जो आपके पास 800 सेंटीमीटर दे रखा है उसका 8000 mm हो गया, हो गया नहीं हो गया? और जी 8 mm और है, क्योंकि आपके पास तो 800 सेंटीमीटर 8 mm दे रखा है, तो आप इसको जोड़ोगे तो आपके पास 8008 mm बनेगा, नहीं बनेगा? ये बताओ, इस बात को आप मानते हो नहीं मानते हो? यानी मतलब आप ये कह सकते थे कि इस वाले टर्म को आप क्या कह सकते हो, 8008 mm कह सकते हो, जबकि आप इसे कह सकते हो क्या, 8000 mm। आप ध्यान से देखो कि क्या ये वाली टर्म इससे छोटी है? नहीं है, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें तो ये बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, यानी पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यानी इन तीनों का हमें पता चल गया कि ये तीनों क्या आने चाहिए, पहले ये फर्स्ट नंबर पे। फिर इन तीनों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा मैं अभी, इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात बाद में करूंगा, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, इसकी बात बाद में करेंगे। आपको पता है पहले नंबर पे ये आना चाहिए था, दूसरे नंबर पे ये, और बाद में तीसरे नंबर पे ये। आप पहले इस ऑर्डर को देख लो, ये ऑर्डर किस में फॉलो हो रहा है। देखो जी ध्यान से बात समझना, दूसरे वाले में अगर मैं देखूं 8500, 8 mm सबसे पहले दे रखा है, ये सबसे पहले दे रखा है, जबकि ये तो इससे भी छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, ये गलत है, ये ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। समझ में बात आ रही है, ये ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है घटता क्रम, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है जी, तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तीसरे ऑप्शन में आप ध्यान से देखो कि बाद में दे रखा है, ये भी बाद में दे रखा है। ठीक है, आप देखो पहले नंबर पे ये आना चाहिए, दूसरे पे ये आना चाहिए, और जी तीसरे पे ये आना चाहिए। इनका तो क्रम ठीक है बिल्कुल, पहले पे ये आना चाहिए, दूसरे पे ये, और तीसरे पे ये आना चाहिए। ये दो ऑप्शन सेम तो लिख दिए मैंने, 800 सेंटीमीटर, अच्छा ये आगे पीछे है, तो तीसरे में और चौथे में देख लेते हैं। अब मेरी बात समझना, अगर मुझे पता है, जैसे जो डीएम लिखा हुआ है ना, ये क्लियर नहीं है यहाँ पे कि ये डेसीमीटर है या आपके पास क्या है, ये जो डीएम लिखा हुआ है ये क्लियर नहीं है कि ये डेसीमीटर है। क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे आया था, क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे आया था कि ये डेसीमीटर है या फिर डेकामीटर है। आपके पास क्या लिखा हुआ है, 80 dm और 8 cm। आपके पास क्या है, 80 dm, यहां लिख लेते हैं भाई, आपके पास है 80 dm और 8 cm। अगर मैं इसको डेसीमीटर समझो, समझना, तो आप मिलीमीटर बनाओ तो आपको बताएगी 100 मिलीमीटर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी आप इसे कहोगे कि भाई 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होता है, 2 स्टेप ऊपर जाना पड़ रहा है, तो इसके यानी इसमें 8000 मिलीमीटर हो गया इसमें। ठीक है जी, और ये इसमें सेंटीमीटर बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 मिलीमीटर होता है, यानी प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा, 80 मिलीमीटर। ये 80 मिलीमीटर किसमें आया, इसमें, तो आपके पास कितना हो गया, 80 mm हो गया। देखो इस बात से साफ साफ बात समझ आ रही है हमें कि ये सबसे बड़ा होगा, ये क्या होगा, ये बड़ा होगा। क्यों?
क्योंकि ये क्या है, ये उससे बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, बात को समझना। अगर मैं इसको डेकामीटर भी लेता हूं, तो डेकामीटर भी लेता हूं, तो डेकामीटर में भी क्या होगा, ये बड़ा ही आएगा। तो इसका मतलब आपके पास क्या आया, इस बात को आप समझो। आपके पास क्या आया कि आपके पास जो टर्म्स है, ये 85 mm तो सबसे बड़ा है, 8500 mm तो सबसे बड़ा है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको मैंने बताया लिख के, इसको क्या लिख सकते हैं, 8008 mm। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको मैंने आपको लिख के बताया, अभी दिखाया मैंने लिख के इसको। इसको आप क्या लिख सकते हो, 8080 mm। और इसको लिख सकते हो आप 8000 mm। और ये आपके पास 8500 mm है ही। तो आप ध्यान से देखो कि ये 8500, 8080, 8008 और 8000। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये प्रॉपर वे में है, थर्ड ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट होगा, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है प्रॉपर। समझ आई बात, किसी को डाउट है तो पूछ लो, आपको कन्वर्ट करके ही देखना पड़ेगा, इसका कोई और इलाज नहीं है। किसी को भी